हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिल्कीना ब्यूटी टिप्स और मैं हूं मनप्रीत। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये कंप्लीट मेकअप लुक। एक्चुअली ये मेकअप लुक नहीं, मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं आपके लिए ये बेस जो मेकअप मैंने किया है उसका ट्यूटोरियल मैंने बनाया है। एंड इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है क्रायलॉन के टीवी पेंट स्टिक्स। जब भी हम क्रायलॉन के टीवी पेंट स्टिक्स यूज़ करते हैं हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसको यूज़ कैसे करें, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक है। एज़ यू नो कि ये जो है एक ऐसे स्टिक बेस में आता है और इसको जो लगाते हैं जब हम फेस पे अप्लाई करते हैं तो हमें ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, कहीं कहीं पे ड्राई पैचेस आ जाते हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसे स्किन पे यूज़ करें। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दीज टीवी पेंट स्टिक्स। और आज की वीडियो में जो तीन टीवी पेंट स्टिक्स मैंने यूज़ किए हैं वो है 303, FS28 एंड आइवरी शेड। आइवरी एंड FS28 मैंने यूज़ किया है अपना ये मेकअप बेस बनाने के लिए, एंड 303 मैंने यूज़ किया है कलर करेक्टिंग के लिए। राइट, सो 303 जो है एक ऑरेंज कलर करेक्टर है और ये हम डार्क सर्कल्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने फेस के राउंड, जो मैंने अपने फेस पे जो है डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन के लिए यूज़ किया है। और बेस मेकअप के लिए मैंने आइवरी एंड FS28 यूज़ किया है, दोनों को मिक्स करके मैंने अपना शेड बनाया है। इसे जो है हम ऑयली स्किन पे प्लस ड्राई स्किन पे भी कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम ऑयली स्किन टाइप, तो मैंने इसे बताया कि मेरी स्किन पे कैसे करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा ड्राई स्किन पे करने पे और ऑयली स्किन पे करने पे कि आपको जो है स्किन प्रिपरेशन जो है थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा, मतलब जो सीरम है और जो मॉइस्चराइजर है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा एज पर ड्राई स्किन। मैंने इसमें जो है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ किया है कि स्किन केयर कैसे करेंगे। स्किन केयर का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज बेस लगाने का तरीका, बेस बनाने का तरीका वो सब सेम रहेगा। सो ये जो बेस है ये मैंने क्रिएट किया है, मैंने इसमें कोई कंसीलर एक्स्ट्रा नहीं यूज़ किया है। बेस बनाने के लिए, कंसीलिंग के लिए मैंने ये टीवी पेंट स्टिक्स ही यूज़ की हैं। अदरवाइज जब भी आप ब्राइडल मेकअप करते हैं या पार्टी मेकअप करते हैं आप जो है कंसीलर्स यूज़ करते हैं, कंसीलर्स यूज़ करते हैं ताकि फेस को थोड़ा ब्राइटन अप करने के, और जब आप ब्राइट पे बनाएंगे तो डेफिनेटली आप कंसीलर्स का यूज़ करें। सो आई होप आपको ये जो लुक है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है सो डू कीप ऑन वॉचिंग। सो स्टार्ट करते हैं, टोनर मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ जोव्स का सीरम और श्लोका का मॉइस्चराइज़र। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब ऑयली स्किन के लिए हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। सो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाने के बाद यूज़ कर रही हूँ मिस्ट एंड फिक्स बाय फॉरएवर 52। ये जो है मैं मेकअप के ऊपर नहीं यूज़ करती एज अ सेटिंग स्प्रे, क्योंकि जो इसका स्प्रे है वो बहुत हार्ड है, सो मेकअप के ऊपर सही नहीं रहता है, नीचे लगाओ तो उसके लिए अच्छा होता है। मैंने इसे लगाने के बाद हल्का सा हाथ से डैप डैप करके स्प्रेड कर लिया था, और जब तक ये सूख रहा है, जब तक स्किन में मर्ज एब्जॉर्ब हो रहा है तब तक हम अपना जो है करेक्टर रेडी कर लेते हैं। मैंने 303 लिया है टीवी पेंट स्टिक का, और इसे मैंने जो है मिक्सिंग प्लेट पे लगा के अच्छे से मिक्स किया है। इसका रीज़न है कि इससे जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कितना आसानी से लग रहा है, अगर आप डायरेक्ट जो है उसे स्टिक से लगाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, आप ब्लेंड अच्छे से नहीं कर पाते। और जब भी आप करेक्टर्स यूज़ करते हैं कलर करेक्टर्स, तो आप जो है बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो वो जो है आपके फाउंडेशन में मिक्स हो जाते हैं, और इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है इतनी ज़्यादा करेक्टर्स यूज़ करने की। उसकी जो क्वांटिटी है उसका मेन मकसद होता है कैंसल आउट करना, तो इसलिए हमें उसका कलर दिखाना नहीं है, बस उसे अपने जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उसको कैंसिल आउट करना है। तो अब मैं अपने जो रेड स्पॉट हैं उसके लिए ग्रीन करेक्टर ले रही हूँ पर्पल की करेक्टर पैलेट से। मैंने इसे फिंगर से अप्लाई किया है क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह पे लगाना है, और उसे अच्छे से मिक्स किया है। अगेन कम क्वांटिटी लेना है, देन ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको मर्ज कर रही हूँ स्किन में, ताकि जो प्रोडक्ट अच्छे से मर्ज हो जाए एंड जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो आपका ब्लेंडर पे आ जाए, ताकि फाउंडेशन के साथ कुछ भी मिक्स ना हो। सो अच्छे से अब मैंने इसको मर्ज कर लिया है। ये मैंने जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो पैक कॉस्मेटिक्स का मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है। सो अब मैं ले रही हूँ आइवरी शेड एंड FS28 शेड टीवी पेंट स्टिक का। मैंने सेम प्रोसेस किया है, अपनी पैलेट पे लिया है मिक्सिंग पैलेट पे, थोड़ा सा आइवरी मिलाया है, ज़्यादा नहीं मिलाया है क्योंकि FS28 मेरी स्किन के लिए डार्क है। अब मैं ले रही हूँ इंडलजियो का रोज़ गोल्ड ऑयल, और इसके अंदर मैंने एक ड्रॉप ऐड किया है। इसका जो रीज़न है, पहली बात कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाती है, थोड़ी सी। सेकेंडली
स्किन पे ये बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है और बहुत अच्छा ग्लो देता है। सो मैंने कफ्स एंड लैशेस का फाउंडेशन ब्रश लिया है, ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, कितने अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो लग रहा है स्किन पे, मर्ज हो रहा है, कहीं पे भी आपको पैचेस कुछ भी नहीं दिखेंगे। और ये जो ब्रश है कफ्स एंड लैशेस का, ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। सो इसको जो है आप ड्राई स्किन के लिए भी सेम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन के लिए भी सेम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है मैंने ये जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप पे यूज़ किया है और लिक्विड फाउंडेशंस के साथ भी यूज़ किया है। ये फाउंडेशंस को ऑक्सीडाइज़ नहीं करता बिल्कुल भी, उसका सिर्फ कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करता है, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब वैसे ही रहता है फाउंडेशन पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो स्टिक्स फाउंडेशन होते हैं उसके लिए तो आपको ये जो है कोई भी ऑयल्स जो हैं, जैसे ये वाला ऑयल है रोज़ गोल्ड ऑयल, ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो थोड़ा सा लगाने में आसान हो जाए और ये ग्लो भी देता है। सो अगेन आपको अपने नेक कवर करनी है अच्छे से, और कान अपने ईयर्स कवर करने हैं, और बैक ऑफ द ईयर्स भी अच्छे से कवर करना है ताकि सब कुछ एक जैसा लगे, कलर अलग अलग ना लगे। देन मैंने अगेन ब्यूटी ब्लेंडर लिया है बाय फॉरएवर 52 और मैं अच्छे से जो है बफ कर रही हूँ अपना फाउंडेशन स्किन में। अभी आपको थोड़ा सा फाउंडेशन ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत लाइट कलर है, बट जब बफ हो जाएगा और उसके बाद जो है सारा मैं कंटूरिंग और ब्लशिंग कर लूँगी, उसके बाद सब नॉर्मल होगा। देन अपने फेस को सेट करने के लिए मैंने लिया है फेसेस कनाडा का लूज पाउडर। उसका जो मैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगी। इसमें मैंने शूट नहीं किया है बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका फ़ोटो डाल दूँ मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। सो पहले मैंने छोटा स्मॉल पाउडर ब्रश लिया था अपनी अंडर आइज़ के लिए और छोटे एरियाज़ के लिए, एंड नेक्स्ट फिर मैंने लिया है बड़ा पाउडर ब्रश, बिग पाउडर ब्रश लिया है बाकी फेस को अच्छे से पाउडर करने के लिए, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है तो आपको पाउडर करना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ मैंने कैमरा को थोड़ा सा जूम आउट कर लिया है एंड अब मैं कर रही हूँ कॉन्ट्यूरिंग, क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है तो मैं अपने फोरहेड को भी कॉन्ट्यूर करूँगी। सो पहले कॉन्ट्यूरिंग ब्रश से कॉन्ट्यूर पाउडर लगाने के बाद में मैं इसको बफ करूँगी बफिंग ब्रश से, ताकि अच्छे से पूरा स्किन में मर्ज हो जाए। एंड गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सो फॉर हाईलाइटिंग मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर का हाईलाइटर इन द शेड रोज़ गोल्ड। मैंने अच्छे से अपने चीक बोन्स को, हाईलाइटेड एरिया को हाईलाइट किया है, उसके बाद मैं अपना फोरहेड हाईलाइट कर रही हूँ, अपने क्यूपिड बोज, नोज एंड चिन एरिया, और अपने ब्राउ बोन पे भी मैंने सेम हाईलाइटर ही यूज़ किया है। एंड गाइज जो मैंने आई लुक क्रिएट किया है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, सो आप उस वीडियो को भी चेक करना मत भूलिएगा। सो अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ब्लश जो है मैंने वो कलर एसेंस का लिया है। अगेन मैं जो सब डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा दूँगी। सो मैं जो है पहले कंटूर, हाईलाइट एंड देन ब्लश लगाना मुझे प्रेफरेबल रहता है, ताकि जो तीनों चीज़ें हैं, अगर बाद में ब्लश लगाओ, ब्लश सेंटर में लगता है, तो तीनों चीज़ें जो हैं अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। सो मुझे ऐसे लगाना पसंद है। सो अब मैंने अच्छे से ब्लश कर लिया है अपना फेस, एंड नाउ यू कैन सी कि मेरा जो बेस है वो कितना ग्लोई लग रहा है, कितना ड्यूई लग रहा है। सो लिप लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ बेला वोस्टे का पिंक लिप लाइनर। इस अच्छे से मैंने अपने लिप्स को लाइन करने के बाद लिपस्टिक जो है वो मैं NYB का ले रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक, दिस इज प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक। ये बहुत अच्छा सा एक पिंक शेड है, आई रियली लाइक दिस शेड। सो गाइज आपको ये जो लुक है कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये जो बेस है बहुत ही ज़्यादा ड्यूई बना है, बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप देख रहे हैं तो, और
क्रायलॉन टीवी पेन स्टिक का जो स्टे है वो भी बहुत अच्छा है, आप ब्राइट्स पे लगा सकते हैं। और जब भी आप ब्राइट्स पे लगाएंगे ऐसे तो करेंगे ही, लेकिन आप उसमें जो है कंसीलर्स का यूज़ भी करेंगे, हाइलाइटिंग कंसीलर्स का, उससे जो है मेकअप और ज़्यादा उठ के आएगा। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये जो लुक है वो अच्छा लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कैसा लगा है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।